अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। अमरीका की फलाही तंजीम ने सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान पर यह वक्त बड़ा मुश्किल और कठिन है। घरों से दूर, छत से महरूम, लाचारी और बेबसी की मुजस्सम तस्वीर। सैलाब इन अफराद की जिंदगी भर की कमाई और जमा पूंजी बहाकर ले गया। इन मुतासिरीन की बहाली के लिए हुकूमत के साथ साथ फलाही शोबा भी सरगर्म है। सिंध के जिला सांगढ़, दादू की तहसील जूही और बलोचिस्तान के जिला लसबेला में यूनाइटेड मिशन फॉर रिलीफ की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की खेमा बस्तियों में सैकड़ों घरानों में 2 माह का खुश्क राशन तकसीम किया गया। हम बेघर हो गए हैं, हमारे घर बराड़ डरा गए हैं। हमें आपकी शुक्रिया अदा, आपने हमें राशन दिया, हमें हम टेंट दिया। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की, हमारे इलाके में बहुत सारा उन्होंने राशन दिया, हमारे फीमेल की बहुत बड़ी मदद की। कम से कम महीना 1.5 महीने से जो हमारे टीम जगह जगह खेमा बस्तियों में जाके राशन और मुख्तलिफ चीजें बांट रही है। इस राशन में आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और दूसरी जरूरी अशिया शामिल थी। कराची की टीम आई, अल्लाह इनको आगे बढ़ाए और हम परेशान थे तो हमारे को राशन का भी बंदोबस्त और पानी का प्लान का बंदोबस्त इन्होंने अच्छा करके दिया है। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात के खात्मे, बहाली के काम और बाइज्जत घरों तक वापसी के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।